ये यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है जी। देखो यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। ओ हमारे समर के मुंह से बड़ा चश्मा है, उसका मुंह छोटा है, चश्मा बड़ा है। और ये श्री खड़े, ये कोई फोटो वोटो ही नहीं ले रहे हैं। हाँ जी, अच्छा मैं इनकी वीडियो बनाऊं, ये फोटो खींचे हैं, इनने तो बहुत सस्ते फोटोग्राफर मिल रहे हैं। कपड़ा सस्ता मत बोलिए हैं? कपड़ा सस्ता? अरे मैं अपना भी कह रही हूँ ना कि भैया एक फोटो खींचने वाला और एक वीडियो बनाने वाला, जंगल अंदर गहरा है ना, कितने ही अंदर चले जाओ। आने आ जाओ ने, मना के लिए डर लगा, आ जाओ, देखने का भी मन करे है और डर भी लगे है। दूर जाओ सारे जाओ, टिकट तो करवा लो। ये ऋषिकेश में एंट्री कर दी है जी हमने। हाँ ऋषिकेश में आगमन हमारा, प्यार पहाड़ भी है ना, मंसूरी से वापिस होते हुए आ रहे हैं अभी हम, और आज वापिस आते हुए देख रहे हैं, देहरादून भी वापिस आते हुए रुके हैं। अब ऋषिकेश के जाना आ गया, इसके बाद हरिद्वार की आएगी। राम राम जी सारा ने। इब हम देहरादून ते ऋषिकेश की ओर चल रहे हैं, और मन आ रही थी, नींद थक रही थी थोड़ी सी, और तो मैं आराम तय बैठी थी। और जी ऋषिकेश में हम सबसे पहले जाओगे, हमारी एक फैमिली है वहाँ, हमारे फ्रेंड हैं वहाँ पर जाओगे, उन देखियो, उनकी फैमिली तो मिलियो, बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा आपका भी, क्योंकि सब लोग नए नए हैं, सब नए लोगों से आपको मिलवाएंगे। और वहीं पे आज पूरा दिन हमने स्पेंड करना है, शाम के टाइम फिर घूमने निकलेंगे उन्हीं के साथ में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो कुछ करेंगे जी, जो कुछ जहाँ घूमेंगे जहाँ जाएंगे वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, तभी मज़ा आएगा। देखो जी क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, और वीडियो को शेयर कर देना जी। हर रोज़ नए नए व्लॉग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग आ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग देखो, इन्जॉय करो हमारे साथ साथ। और जी जो नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट पक्का करना है सब ने, और लाइक पक्का करना है जी सारे ने। तो ये लो इन्जॉय, और देखो क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, किन से मिलने वाले हैं। ये देखो हम गांव भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अपने घर पे भी पहुंच गए। आप पूछोगे गांव भी नहीं पहुंचे और घर पे भी पहुंच गए, ऐसा कैसा हो सकता है? तो एक दीदी है ऋषिकेश में, जो हम दोनों से तो बड़े हैं, तो दीदी जो ये हमारे तो फ्रेंड नहीं कह सकते हम, ठीक है? तो उन्होंने मतलब कि इनवाइट किया कि नहीं भाई यहाँ आओ तब आना। तो ऋषिकेश में अभी हमने कुछ नहीं देखा है, हम कहीं नहीं गए हैं, पहले अपने घर पे आए हैं, और अब इनके साथ सबके साथ जाएंगे घूमने के लिए, यानी कि डबल फैमिली हो जाएगी। अब तक सिंगल फैमिली थी, अब डबल फैमिली हो जाएगी। ये देखो दीदी कितने परेशान हो रखी है, देखना अभी। देखो भाई डेली मैं खाना बनाती हूँ घराना में, लेकिन आज मैं खाना बना रही हूँ ऋषिकेश में। ये देखो कि मैं खाना बनाने के लिए कितनी दूर गई हूँ, देख रहे हो? और तुम्हें आज तक एक बहन दिखाई देती थी ना, जो मेरे को हमेशा टॉर्चर करती रहती थी, आज एक दो मिल गई, आज एक और मिल गई, लेकिन ऐसा ना हो कि वो भी इतना ही टॉर्चर करते डबल हो जाएगा। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा, वो बहुत शरीफ है भाई, बहुत शरीफ है वो। मैं हूँ तू बस सोनल जैसी नहीं है वो, मैं इतनी भी शरीफ नहीं हूँ, कभी ज्यादा शरीफ समझने लगो। अरे जो सोनल के पास से गुजर जाए उसको सब शरीफ लगते हैं। ये देखो आज इसने नई बहन मिल गई ना, तो पुरानी नहीं है वो तो बतावा है देख भाई। मैं तो कर रही थी, मैं तो वेट कर रही थी कि नई बहन मिले, मैं तो सबसे तैयार थी, तो मेरे को तैयार है मैंने। नहीं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, मैं तो 9 दिन रहूंगी। बहुत सारे 100 दिन हो गए, ये तो बचपन से मेरे साथ है, मारोगे क्या? पीछा ना छोड़ रहे अब क्या, बिल्कुल मारोगे? आधी जिंदगी तो चली गई इसके साथ, अब क्या बच्चे की जान लोगे? और क्या,
थोड़ी सी जान रहती है। मोनिका तू इतनी लंबी कैसे होगी? मैं भगवान की देन है जी। ऋषिकेश का पानी लगा। अरे इसकी देन दिखाती हूँ मैं, नीचे देखो। अच्छा देखो देखो भगवान की देन है जी, मैं क्या करूँ। लंबी होगी मोनिका तू तो। अरे नहीं, वो दीदी रख रही होगी ना ये पाटड़ी नीचे। अरे नहीं नहीं, पाटड़ी वाटड़ी कुछ नहीं है। अच्छा केस का पानी लग गया। हाँ तभी तो एकदम से लंबी हो गया। मैं पूछ मेरे महबूब सनम। हाँ, आगे लंबी आगे मैं दीदी वो ऋषि केस का पानी आप पे कितने साल तक लग रहा है? कड़िया न छुओ है। देखिए मैं तो कड़ी छू गई। कड़ी है ही नहीं है ना, और कड़ी होती तो छू लेती सच्ची। हाँ कड़ी है ही नहीं, छुओगे किसको आजकल क्या करो मैं, कड़ी नहीं होती। वो पहले लड़कियां ने नहीं कहा करते, जो लड़की ज्यादा खर्चा करवा देती तो यूं कहा करते कि हमारी कड़ी उतार के लेके जाओगे। हाँ। तो आजकल दो कड़ी होती नहीं। हाँ तो लड़की डॉक्टर उतरवा के ले जाएगी। आपके भी कोई ऐसे मेहमान आते हैं कि खुद बनाते खुद खाते मेरी बहनें हैं छोटी, और अब ये कह रही है कि मेहमान इतनी जल्दी मेहमान बना दिए। एक दिन के लिए तो मेहमान होती है। अरे नहीं हम मेहमान, बेटी बेटी भी मायके में जाती है, एक दिन तो वो भी मेहमान ही। हम तो एक दिन पहले ही लग जाते हैं, जाते ही स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ भी मेहमान नवाजी नहीं करवाते हम। अरे दीदी बल्कि आपने गलत किया झाड़ू पोछा करके। ऐसा करती थी से घर पूछ ले और लस्सी मांग ले इनके पड़ोस से। यूं पूछिए सबके घरों में कि गाय भैंस कौन रखता है, भाई लस्सी दे दो। फिर तो एक बड़ी बाल्टी दे दो मैंने। सारे ऋषि केश में मांग ले आऊंगी। देखो भाई क्या करे, हरियाणा से आए हुए हैं। आज तो बेटी को परेशान कर दिया हमने। नहीं नहीं, मैं तो बस रोटी चोपड़ चोपड़ के देखती। इधर हरियाणवी सितारे लगा हुआ है खाना खाने। आज तो मजे आ जाएगा भाई, हरियाणवी वालों की रोटी खा के। देखो हमने रात में बुड्ढी माता जमाना, और मैं सुबह याद आया तो मैंने सुबह जमाया। दीदी ज्यादा खुश हो रखी थी, इन्होंने शाम को दही जमाई जमाना भूल गई है, फिर इन्होंने याद आया एक्साइटमेंट में भूल गई है। फिर इनको याद आया भाई वो तो हरियाणा वाले नहीं ये चीज पहले मांगेंगे। दीदी ने सुबह सुबह जमाई थी जल्दी, इतने भूल गए ना, सच में खुशी नहीं है। खुशी इतनी होगी जी इनको। इनकी बात सुनो, मैं उंगली के नमकीन खाने का मन लेना भूल गई, भूल कह के स्टार्ट की नहीं मैंने।
ये है जी सांधा। हाँ ये देखो जो अपने हरियाणा में वो डलता है ना गूंद, वो है ये। और पता है क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि तुम्हारे यहाँ जो चचा के लिए डलता है ना, और यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है इनके हस्बैंड के लिए, मतलब पूरे फैमिली के लिए। तुम कमारा तो जच्चा सही गल है, तुमने भाई साहब सही क्यों गल है अच्छा उसके लिए आप सांधा खाते हो जी। अच्छा और भाई साहब दिन रात गाड़ी पे बैठे, अच्छा दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका काम ऐसा है। हाँ। वो इसलिए सांधा खाते हैं। और आकांक्षा किस लिए खाती है, ये कमजोर है अच्छा बेटा मिलिट्री, एक सांधा देखो कितने काम कर रहा है, एक सांधे से कितने काम निकाले जा रहे हैं। हाँ वही वाली बात होगी। मोनिका अगर तू खा तो किस लिए खाई, बिजनेस इसने टेस्ट के लिए, अच्छा अपने स्वाद के लिए। अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है, क्योंकि स्वाद के लिए खा लूंगी तो सारी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। राम राम जी सारे ने, और ठीक ठाक सो सारे। तो जी अभी बाकी सबका खाना पीना हो चुका है, ये है जी दोपहर का टाइम, लगभग 11:30 का टाइम है यो, क्योंकि 11 बजे तो खरम इनके यहाँ आए थे, तो ये लगा लो 12:30 का टाइम होगा। आते ही चाय पानी पी के और सीधा इन्होंने खाने का ही कर दिया था, बोले भाई खाने का टाइम है तो खाना ही खाना है सब ने, चलो भाई क्योंकि हमने बाहर कहीं नहीं किया था, इन्होंने पहले बोल रखा था भी खाना यहीं आके खाना है। और इतनी अच्छी थे ये, इतने अच्छे थे, बस क्या बताऊँ, वो एक्सपीरियंस है ना हमारा इनके घर पे रुकने का, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कभी ख़त्म ही नहीं ना हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली थी, जैसे हम हैं ना सेम हमारे जैसी फैमिली। और ये जो आपने दिखाई दे रही है ना पूजा जी, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी थी, सब बहुत अच्छे थे इनके घर में, इनकी बेटी, इनका बेटा, इनकी क्या हमारी बेटी, हमारा बेटा है वो। और भाई साहब से तो हम मिलने भी नहीं पाए, वो ड्यूटी पे थे। और हम इस वीडियो के ज़रिए से आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं जी, हम बहुत मिस कर रहे हैं आप सबको, हमें पता आप लोग देखते हो और ये भी आप ज़रूर देखोगे, बहुत मिस कर रहे हैं जी आप सबको, ठीक है। और बहुत जल्दी आप सबको आना है यहाँ पर, तो जी आप सबका भी परिवार है अभी, ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो वो आपको बोल रही हूँ मैं कि ये सब अब आपकी भी फैमिली है हमारी तरह ही, क्योंकि आप इनसे मिल चुके हो अब। तो जी आपने भी इंजॉय किया हमारे साथ में, और जी खाना खा लो लास्ट में याद आया पर आ गया, ठीक है जी। तो इब सारा ने राम राम।